हम चलते हैं इसके बाद क्यूबिक एक्सपांशन की तरफ। अब जैसे कि हमने देखा a प्लस बी का होल स्क्वायर निकल सकता है, द सेम वे a प्लस बी का होल क्यूब भी निकल सकता है, ऑब्वियस सी बात है। तो अब a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब बेसिकली क्या होगा, दिस वुड बी इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी। मतलब कि उसी टर्म को अगर मैं तीन बार मल्टीप्लाई करूंगा तो वही होगा क्यूब, हम इस चीज को देख चुके हैं। सो अगर इस चीज को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आफ्टर सॉल्विंग सो यू विल गेट द अल्टीमेट आंसर जो होगा ए क्यूब प्लस थ्री टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी प्लस थ्री टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ओके अब ये आता कैसे, जब इन तीनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, हाउ कैन यू मल्टीप्लाई थ्री ब्रैकेट्स, पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करो एंड देन जो भी आंसर आएगा उसको थर्ड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो। अगर मैं इन दोनों को देखूं तो मुझे गिवन है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी को मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों को मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और उसके साथ है मेरे पास ए प्लस बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। So this will be equal to a square plus 2 times of ab plus b square multiplied by a plus b. अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, पहले मैं इस ब्रैकेट को a के साथ मल्टीप्लाई करूंगा पूरे के पूरे ब्रैकेट को, और फिर पूरे के पूरे ब्रैकेट को b के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। सो दिस कैन बी रिटन एज a square plus 2 times of ab plus b square multiplied by a plus b इंटू ए स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके अब आई एम रबिंग द, दिस इज द मेन आंसर दैट वील हैव टू गेट एट द एंड ऑफ सॉल्विंग ऑल दीज थिंग्स। तो ये हो जाएगा बेसिकली ए स्क्वायर प्लस ए इंटू टू टाइम्स ऑफ ए बी, तो मतलब टू टाइम्स ऑफ ए इंटू ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा बी एज इट इज प्लस ए इंटू बी स्क्वायर। इसकी अगर बात करें तो ये हो जाएगा प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab और उसके साथ ही b मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि 2 टाइम्स ऑफ a b स्क्वायर हो जाएगा प्लस b क्यूब। अब यहां पर देखिए a स्क्वायर b और कहीं पर है हमारे पास a स्क्वायर b, यहां पर a स्क्वायर इंटू b, तो 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b प्लस b 1 इंटू a स्क्वायर b, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर सॉरी a क्यूब, a स्क्वायर इंटू a कितना हो जाएगा a क्यूब प्लस 2 प्लस 1 कितना हुआ 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b प्लस ये देखिए ए बी स्क्वायर और यहां पर भी टू टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर, मतलब कि प्लस थ्री टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस ये है बी क्यूब। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर किसका होता है, ये होता है हमारा क्यूबिक एक्सपेंशन जिसकी वैल्यू क्या होती है ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ओके नाउ लेट्स सी अ फ्यू क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड बेस्ड ऑन द एक्सपेंशंस। पहला क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस थ्री का होल क्यूब, अगेन हमें एक चीज पता ही है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस थ्री टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी प्लस थ्री टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो यहां पर मेरे पास a क्या है, दिस इज माई a एंड दिस इज माई b, तो ए क्यूब मतलब कि एक्स क्यूब प्लस थ्री टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी कितना है थ्री प्लस थ्री टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर, ए इज एक्स बी इज थ्री और उसका स्क्वायर प्लस बी क्यूब, बी मतलब कि थ्री का क्यूब। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस थ्री इंटू थ्री कितना हुआ नाइन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू एक्स इंटू नाइन का स्क्वायर कितना हुआ नाइन प्लस नाइन का क्यूब इज 27 सॉरी थ्री का क्यूब इज थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री मतलब 27। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस नाइन टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस नाइन थ्री जा 27 तो 27 एक्स प्लस 27 सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सपांशन ऑफ एक्स प्लस थ्री का होल क्यूब। तो इसमें सिर्फ कई चीजों का ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि यहां पर ये नंबर्स मल्टीप्लाई हुए हैं तो उसको हमें कंबाइन करना पड़ेगा, यहां पर थ्री का भी स्क्वायर लिया है एंड दैट नीड्स टू बी मल्टीप्लाइड विद थ्री ऑल्सो, तो बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जिनका हमें ध्यान देना पड़ता है वाइल एक्सपांडिंग इन क्यूबिक फॉर्म या फिर क्यूबिक एक्सपांशन के दौरान हम कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास
अगर मुझे 41 के क्यूब की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ओके आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 41 का क्यूब. ओके ऑब्वियसली 41 का क्यूब मींस 41 into 41 into 41, वो बहुत डिफिकल्ट चीज हो सकती है टू बी एबल टू फाइंड आउट. इंस्टेड आई कैन राइट इट एज 40+1 का होल क्यूब. मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं. अब ये मेरा ए, ये है मेरे पास बी. फॉर्मूला क्या है मेरे पास, ए क्यूब मतलब कि 40 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी मतलब कि 40 का स्क्वायर इनटू बी इज 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर मतलब कि ए इज 40 बी स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर प्लस ए क्यूब सॉरी बी क्यूब मतलब कि 1 का. अब 40 का क्यूब कितना हो जाएगा, दिस वुड बी इक्वल टू 64000 40 into 40. तो मतलब कि देखिए 0 जो है तो 3 बार ही होने वाला है क्योंकि उसका क्यूब है. तो बेसिकली 4 का क्यूब अगर हम देखें तो 4 into 4 into 4 तो वो कितना हो जाएगा 4 into 4 into 4 मतलब कि 64. तो ये हो जाएगा 64 और 000 क्यों, क्योंकि 40 तो 4 into 10 का क्यूब, 4 का क्यूब इज 64, 10 का क्यूब इज 1000 तो मतलब 64000 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 40 का स्क्वायर मतलब कि 40 into 40 इज 1600 तो 3 into 1600 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ये हो जाएगा 3 into 40 into 1 प्लस दिस इज 1 तो ये हो जाएगा 64000 प्लस 1600 into 3 कितना हुआ 00 36 18 31 34 प्लस ये हो जाएगा 120+1. अब इन तीनों को ऐड करने के बाद एडिंग ऑल दीज थिंग्स इज मच इजियर देन मल्टीप्लाइंग 41 थ्री टाइम. तो इसको हम लिख सकते हैं 64000 ये हो जाएगा 4800 दिस वुड बी 120 दिस इज 1 तो ये हो जाएगा 121 1 दिस इज 2 एंड देन दिस इज 4+1 5 6 दिस इज 1 ओके सॉरी दिस इज 1 दिस इज 2 8+1 दिस इज 9 4+4 8 दिस इज 6 8 9 2 1 सो इज इट द आंसर यस 6 8 9 2 1 इज द रियल आंसर. सो इस तरीके से हम लोग इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी चीज के क्यूब को प्रोवाइडेड उसके आसपास हो. हम लोग इसको 45-4 रखकर अगर आप क्यूब निकालने की कोशिश करते तो आंसर ये ही आता बट थिंग्स वुड हैव गॉट कॉम्प्लिकेटेड इजंट इट. अगर 99 का निकालना तो 100-3 1 का क्यूब निकालना इजी होगा. तो उस तरीके से स्प्लिट कीजिए सच दैट कि थिंग्स शुड नॉट गेट टीडियस. यहाँ पर 1 था साथ में तो कैलकुलेशन इजी हो गई. अगर 2 3 6 7 ऐसा कुछ मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करता फिर क्यूब निकालता तो फिर थिंग्स द कैलकुलेशन वुड हैव गॉट रियली डिफिकल्ट.